सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट जान लीजिए। सर्दी के चलते उत्तर प्रदेश में स्कूलों की छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं। 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। लखनऊ के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी है। लखनऊ में 9वीं से 12वीं तक की क्लास सुबह 10 बजे से होंगी। नोएडा में 8वीं तक के स्कूल को 14 जनवरी तक अब बंद रखने का आदेश आ गया है। प्रयागराज में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जैसे लगातार मौसम सर्द है, पारा लुढ़क रहा है और तापमान गिरता जा रहा है, उसकी वजह से ये आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो अब बढ़ गई हैं। 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। लखनऊ के स्कूल जो होंगे वो 10 जनवरी तक वहाँ पर छुट्टी की गई है और जो नोएडा में 8वीं क्लास तक के स्कूल होंगे उसमें 14 जनवरी तक छुट्टी की गई है। 9वीं से 12वीं तक की जो क्लास होगी वो सुबह 10 बजे से चलेगी। जितने छोटे बच्चे हैं उनकी उनके स्कूल में जो हैं वो छुट्टियां होंगी। जो बड़े बच्चे हैं 9वीं और 12वीं क्लास के, तो 10 बजे से उनकी क्लासेस होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चुनाव का एम फैक्टर 24 का भाईजान चैप्टर। दल कोई भी हो, 2024 की तैयारी में जुटी हुई हर एक पार्टी अपनी रणनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द बनाने में जुटी है। खास बात यह है कि इस बार राजनीति की भगवा धारा 400 प्लस का लक्ष्य साधने के लिए मुस्लिम मतदाताओं की ओर चल पड़ी है। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप और केरल दौरे पर इस रणनीति की झलक दिखा चुके हैं। 12 जनवरी के बाद बड़े स्तर पर बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए जमीन पर उतरेगी, जिसे लेकर राजनीतिक पारा अभी से बढ़ने लगा। लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी। मुस्लिम लेडीज इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म ज़ाती हुई है, उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं। 6 दिसंबर को मस्जिद किसने शहीद की, किसने डिमोलिश किया है बाबरी, 6 दिसंबर के दिन, तो मुद्दा जिंदगी रहेगा। ये बीजेपी हमारे सबसे बड़ा शत्रु, दानव शत्रु, ईमानदार शत्रु। मुद्दा ट्रिपल तलाक का हो या धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और मंदिर मस्जिद विवाद का, लुटियंस की गलियों से अरब सागर की गोद में बसे लक्षद्वीप तक एक ही नाम चर्चा में है, मुसलमान और सिर्फ मुसलमान। दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल का आगाज होने में अभी वक्त है, लेकिन सियासत की बिसात नेताओं की जमात के साथ मुस्लिम मतदाताओं की ओर बिछने लगी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, JDU, TMC या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, कितने ही ऐसे दल और इनके नेताओं की राजनीति मुस्लिम मतदाताओं के इर्द गिर्द विस्तार लेती रही है, लेकिन इस बार हिंदुत्व की राह से एक कदम आगे बढ़कर भगवा सियासत मुस्लिम मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रही है नए प्लान और नए अभियान के साथ। बड़ी आबादी है मुस्लिम महिलाओं की देश के अंदर, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी उन महिलाओं को खासतौर से फोकस कर रही है जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला, और हमने कुछ ऐसी महिलाओं को भी बुलाया है जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए काम किया है, जो NGO के रूप में इस तरह से जो समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, ताकि उनकी जो आवाज़ है, उनके जो अनुभव हैं, वो मुस्लिम महिलाओं तक आसानी से पहुंच सके, आसानी से जा सके और वो समझ सके कि मोदी जी ने क्या क्या है, किस तरह से भाईजान ने बहनों के लिए काम किया है। यूं तो 19 सितंबर 2018 को ट्रिपल तलाक कानून वजूद में आने के बाद से ही बीजेपी ने मुस्लिम समाज की महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कवायद शुरू कर दी थी। 2022 में UP के रामपुर और आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का पसमानदा काल निर्णायक साबित हुआ। अब केंद्र की सत्ता में बड़ी विजय के साथ वापसी की छलांग लगानी है। नतीजा, बीजेपी ने पसमानदा वाली रणनीति का कैनवास और बड़ा कर दिया है।
मुस्लिम मतदाताओं, खासकर इस वर्ग की महिला मतदाताओं को अपने साथ लाने का बीजेपी का प्लान ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के जरिए ये संदेश दिया जाए कि पूरे देश में हर तबके का विकास मोदी सरकार में ही संभव है और भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास की है। क्षेत्र और राज्य के लिहाज से बीजेपी ने अलग अलग कार्यक्रम तैयार किए हैं। मसलन यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन, पश्चिम बंगाल में मोदी दादा, महाराष्ट्र में मोदी भाव और तमिलनाडु में मोदी अन्ना। बीजेपी के इन कार्यक्रमों का चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। मुहिम को धार देने के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है और बीजेपी का टारगेट सरकार की योजनाओं से लाभ लेने वाले लाभार्थी हैं। बीजेपी का प्लान मुस्लिम समाज तक ये संदेश पहुंचाने का है कि 2014 के बाद से न सिर्फ देश के विकास का पहिया तेज गति से घूमा है बल्कि बिना किसी भेदभाव के मुस्लिम परिवारों को भी मकान, बिजली, नल से जल, बिजनेस के लिए लोन, मुफ्त राशन और कौशल विकास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। इसकी झलक पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर भी दिखाई दी जहाँ सबसे ज्यादा 95% मुस्लिम मतदाता है। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। दरअसल आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम मतदाता और बीजेपी के बीच लंबी खाई है। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दल इस खाई का फायदा उठाते आए हैं। 2014 में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का महज 9% वोट मिला था, वहीं 2019 में ये आंकड़ा घटकर 8% तक पहुंच गया था। बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 400 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और बीजेपी नेतृत्व अच्छी तरह से जानता है कि ये लक्ष्य मुस्लिम समुदाय के बिना मुमकिन नहीं है क्योंकि 115 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 20% से भी ज्यादा है। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी का सबसे ज्यादा समर्थन कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों को मिलता रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी, बंगाल में टीएमसी, बिहार में आरजेडी और जेडीयू, जबकि दक्षिण भारत और सेंट्रल इंडिया के हिस्सों में कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मिलता रहा है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक करीब 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। इन सीटों पर 72-78% मुस्लिम वोट कांग्रेस के हिस्से में आता है। यही वजह है कि अब बीजेपी की रणनीति बदली हुई है, लेकिन सवाल है क्या मुस्लिम मतदाता बीजेपी पर भरोसा जताएंगे? माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं उनमें बीजेपी के प्रति एक सिंपैथी है और खासतौर पे जो तमाम तरह तरह के इन्होंने स्कीमें लॉन्च की जिससे महिलाओं को बेनिफिट हुआ, 3 तलाक का इशू था उससे उनको ये मैसेज गया कि हमारी चिंता करने वाली भी कोई सरकार है। 2019 में जहां पे उज्ज्वला योजना पहुंची थी वहां पे मुस्लिम इलाकों में वोट मिले हैं और जो हम लोगों को अपने ऑब्जर्वेशन में चीज़ें समझ में आई, जिनको आवास मिले थे उस इलाके में, न सिर्फ जिनको आवास मिला वो बल्कि तमाम दूसरे लोगों ने भी वोट किया। जिन बूथों पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता था मुस्लिम इलाके में वहाँ पे वोट मिले हैं, तो ऐसा संकेत है कि आने वाले दिन में मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा वोट मिलेगा। वैसे तो बीजेपी अलग अलग स्तर पर मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से 12 जनवरी को लखनऊ में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी डबल डिजिट में मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाब रही तो ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका होगा। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने भी मुस्लिम वोट बैंक की घेराबंदी शुरू कर दी। एक और बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की घेरेबंदी का प्लान तैयार कर जमीन पर उतरने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को दलित ओबीसी के साथ मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के निर्देश जारी कर दिए, जबकि क्षेत्रीय दल भी इसी कवायद में जुटे हुए हैं कि कुछ भी हो लेकिन मुस्लिम वोट बैंक छिटकना नहीं चाहिए। जैसे जैसे वक्त का पहिया लोकसभा चुनाव की ओर घूम रहा है, मुस्लिम समुदाय के दरवाजे पर कांग्रेस ने दस्तक तेज कर दी है। चुनाव की आहट के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का काफिला मुस्लिम समाज की गलियों से होकर गुजरने लगा है।
उत्तर प्रदेश हो या फिर दक्षिण भारत का कर्नाटक और तेलंगाना, कांग्रेस की कोशिश दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक का गठजोड़ तैयार कर दिल्ली के राजपथ का रास्ता तय करने की है। झारखंड में कांग्रेस ने गुलाम अहमद मीर को प्रदेश प्रभारी बनाकर बड़ा संदेश दिया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रास्ते में ज्यादातर मुस्लिम बहुल लोकसभा सीटों को जोड़ा गया है, जबकि यूपी में 20 दिसंबर से शुरू हुई कांग्रेस की यात्रा का रुख भी मुस्लिम मतदाताओं की ही ओर है। 20 दिसंबर को कांग्रेस ने सहारनपुर से यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के रूट मैप में पड़ने वाले 11 में से 7 जिले मुस्लिम बहुल हैं। ये मुस्लिमों का मन बदल चुका है और मुस्लिम ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी को पुनः जो है जीत दिलाएगा। तो मुसलमान भाजपा पे 2014 से विश्वास करता चला है और अभी आने वाले चुनाव में आपने देखा होगा जो अल्पसंख्यकों का कम से कम 12% वोट डाइवर्ट होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास के साथ जो सबका विश्वास लगातार जुटता चला जा रहा है, तो ये भी अल्पसंख्यक समाज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखे हुए हैं। जो मुसलमानों में शुरुआत में एक भय था भाजपा के आने से, उसको यह लग रहा था कि भाजपा आएगी तो मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, लेकिन 9 साल मोदी जी के पूरे बिंदास तरीके से बीते, कहीं पर कोई मुसलमानों का शोषण नहीं हुआ। अगर एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ उनकी मस्जिद की भी तैयारी होने वाली है। और ये भी खबर है कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के प्रभाव वाले राज्यों खासकर यूपी में उन्हीं सीटों की डिमांड कर रही है जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, यानी कांग्रेस की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, जबकि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी, आरजेडी और जेडीयू जैसे दल भी मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। अब सवाल है कि मुस्लिम मतदाता किधर जाएंगे और नतीजों के बाद किसके सपने बिखर जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जिस भारतीय जनता पार्टी के लीडर होंगे उसे मुसलमान कभी भी इस देश में वोट नहीं करेगा, इस सच्चाई को बीजेपी भी जानती है और नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकार भी जानते हैं। पर वो हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम रिएक्शन में मत खड़ा हो। तो ये जो मोदी भाई जान है, रिएक्शन में मत खड़ा हो, और अगर रिएक्शन में खड़ा होता है तो उसका जवाब हो, उसकी रणनीति है, ये उसी का हिस्सा है। बीजेपी के साथ कितने फीसदी मुस्लिम मतदाता जोड़ेंगे, 2019 के मुकाबले बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक के मामले में कितनी बढ़त हासिल करेगी, चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं ये सवाल बड़ा हो रहा है, क्योंकि बीजेपी एक ओर मुस्लिमों को जोड़ने की बात कर रही है तो दूसरी ओर CAA और यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करने की बात कह रही है। ऐसे में विपक्ष का दावा है कि मुस्लिम मतदाता पिछले चुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले। देखिए, इतिहास बताता है इन 9 सालों में मुसलमानों को सिवाय सताने का दूसरा काम तो हुआ नहीं है, मुसलमानों की सिवाय दिलाजारी करने का और कोई तो काम नहीं हुआ। कहीं हिजाब पे पाबंदियाँ हो रही हैं तो कहीं नमाज पे हो रही हैं, कहीं अजान पे हो रही हैं, कहीं मस्जिद पे तो कहीं मदरसों के ऊपर। तो ये भाईजान जो हैं, ये भाईजान हैं नपुर शर्मा के, मुस्लिम महिलाओं के नहीं हैं। वो मुसलमान जिसका ईमान मोहम्मद रसूल अल्लाह के ऊपर है, उसकी शान में गुस्ताखी करने वाली औरत को क्या कोई सज़ा दी गई थी? तो ये तो वो लोग हैं कि ये पीछे से लात मारते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि हम थैंक यू गए। लेकिन बीजेपी के माइनॉरिटी प्लान और विपक्ष के दावों से इतर सवाल है कि आखिर मुस्लिम मतदाताओं के मन में क्या है। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का वोटिंग पैटर्न बीजेपी के मन मुताबिक होगा या फिर बीजेपी और मुस्लिम के बीच खाई बरकरार रहेगी? के मोदी जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, है ना, बहुत सारे जो के देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुसलमान को लेके चल रहे हैं मोदी जी, और सब जो है कि मुसलमान मोदी जी के साथ हैं। भाई, जब से मोदी जी आए हैं काम अच्छे हो रहे हैं और बदलते आ रहे हैं। भाई, मुस्लिम मतदाता भी वोट डाल रहा है। भाई, अब ये तो क्या है कि बातें जो चलती रहती हैं, भाई राजनीति में जो जिस पार्टी का है वो उस पार्टी की बात करता है। वैसे मुसलमानों को बहुत फायदा है, बहुत सुकून में है। ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की राय बंटी हुई है, क्योंकि उसके सामने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी है जिसे लेकर ओवैसी से लेकर दूसरे दलों के नेता माहौल बनाने में जुटे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाभार्थी योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुस्लिम मोर्चे पर भी बड़ी भूमिका निभा सकता है।
मतलब हमारा देश जो लोकतांत्रिक देश है उस देश में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर अभी कहीं काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से कांग्रेस मुसलमानों का साथ दी है। अगर आप देखते हैं लाभार्थियों की लिस्ट में तो हमारी आबादी जैसे अभी मेरे भाई बोल रहे थे 14% है, लेकिन अगर हम मकानों में प्रधानमंत्री आवास या गैस कनेक्शन में देखते हैं तो 35 से 40% मुस्लिम लोगों को लाभान्वित किया है। तो अगर हम लोग लाभान्वित कर रहे हमारे मोदी जी, तो हमारे मुस्लिम भाई क्यों नहीं उनके साथ जाएंगे? तो वो हक रखते हैं मोदी भाईजन बनने का। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली विजय के सबसे बड़े दंगल में मुसलमान और उनसे जुड़े मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहने वाले हैं, जिसकी झलक अभी से नजर आने लगी है।